बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक आर्ट्स में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कार्बोरेटर की सेटिंग कैसे करते हैं फ्यूल एरेज बढ़ाने के लिए। ये हमने एक कार्बोरेटर खोला हुआ है, पूरा भी नहीं खोला, सिर्फ उसकी बटरफ्लाई ये खुली हुई है। हमने इसके बटरफ्लाई का जो काम था वो करवा लिया है और इसकी एवरेज हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। और अगली वीडियो में हम आपको बोतल के साथ वो दिखाएंगे कि उसकी एवरेज कितनी है, और साथ में आपको कुछ टिप्स भी देंगे कि बोतल में आप एवरेज जब चेक करते हैं तो कहाँ कहाँ लॉगिंग के साथ फ्राड होने का ख़तरा होता है, तो आपने उसे बचना है। बोतल के साथ हम आपको लगा के देंगे एक लीटर में पेट्रोल के गाड़ी कितनी चलती है, और फिर एंड पे हम आपको अगली वीडियो के एंड पे जब आप बोतल पर एवरेज चेक कर चुके हों तो आपको कुछ टिप्स देंगे, उसके बाद आप ईज़िली अपनी जो गाड़ी की एवरेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज बारी है कार्बोरेटर की। कार्बोरेटर का पहला स्टेप ये था बटरफ्लाई का। ये बटरफ्लाई हमने अभी तैयार करवाई है, बटरफ्लाई तैयार करवा के लाए हैं। ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, बटरफ्लाई तैयार करवा के लाए। ये सिक्का देखें, ये सिक्का, इसी को बटरफ्लाई कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं बटरफ्लाई होती क्या चीज़ है, बटरफ्लाई असल में ये है, ये इसको बटरफ्लाई कहते हैं। ये लोगों को नहीं पता होता बटरफ्लाई का मकसद क्या है। बटरफ्लाई का मकसद ये है कि आरपीएम अपनी जगह पे स्टिल रहे और पेट्रोल कम से कम खाए। फिर आपने पेट्रोल की एडजस्टिंग करनी है यहाँ से। ये इसका पेट्रोल का मिक्सचर नट है, जो एयर मिक्सचर को कहते हैं, जो पेट्रोल के लिए इसकी सेटिंग होती है। वैसे मैं ये ओपन है आपको बता सकता हूँ कि सेटिंग आपने इसको फुल टाइट करना है, मिक्सचर को फुल टाइट करने के बाद अगर आपने इसको सेट करना है तो आपने इसको दो राउंड वापस करने, रिटर्न करने, दो राउंड फुल। ये यहाँ पे है, ये भी फुल टाइट, अभी आपने इसको दो राउंड देना वापस। ये एक, ये दो राउंड आपने दे देने। इधर आपकी फ्यूल की एडजस्टिंग ठीक है बिल्कुल। ये आपको हमने मतलब ओपन में बताया कि अभी गाड़ी में लगा हुआ नहीं है, अगर कोई गाड़ी में भी लगा के करे तो यही है, फुल टाइट हो, उसके बाद दो राउंड इसके आपने लूज छोड़ना है, रिटर्न दो सर्कुलर आपने मूवमेंट देते हैं उसको, उससे पेट्रोल का। दूसरा इसका जेट ये होता है, ये आपको बता दूं, अक्सर लोगों को नहीं पता होता, ये जेट आपने खोल लेना है, ये आपने लाजमी साफ़ करना है। ये भी पेट्रोल के लिए, पेट्रोल का जेट है। वैसे इसमें जेट तो तकरीबन दो अंदर होते हैं, एक ये है और एक ये है। ये स्लो स्विच जो होता है वो आपकी गाड़ी स्लो में रोकने के लिए होता है। अक्सर लोग इसको कटअप भी कर देते हैं लेकिन उसकी पिन आगे से काट देते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, वो पिन काटनी नहीं चाहिए हमेशा। अक्सर भाई हमारे काट देते हैं पिन, आपको दिखाता हूँ दोनों। जो एवरेज टेस्ट करने की वीडियो है वो अगली मतलब वीडियो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी। मेहरान की वैसे नॉर्मल एवरेज 14-15 होती है, लोकल 15, इससे ज़्यादा नहीं है, 16-17, ये सब झूठ है। और वो जो बोतल पे चेक करवाते हैं उसकी एवरेज अच्छी आती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या मसला होता है। हम उस पर भी एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो तब बात करेंगे जब हम उस एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे, एवरेज आपको दिखा देंगे, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। स्लो स्विच है, ये तो ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई मसला नहीं है। ये पिन अक्सर लोग काट देते हैं या यहाँ पे मैजिक से बंद कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इसकी वजह क्या, क्यों काटते हैं? ये पेट्रोल को कम रोकता है, स्लो करता है, अक्सर लोग काट देते हैं, वो पेट्रोल डायरेक्ट हो जाता है, नहीं तो फिर ये तो उल्टा नुकसान होता है ना। नुकसान नहीं होता है पेट्रोल को, स्लो स्विच है ये नहीं, जब इसको बंद करते हैं उसका नुकसान ही होता होगा ना। बंद करने से नुकसान है ना, आपने बंद नहीं करना है इसको, ठीक है, ये आपको फ़ायदेमंद है। एक तो गाड़ी इससे स्लो में अच्छा काम करेगी, गाड़ी स्लो रहेगी, और दूसरा बात यह है कि इसको काटना जो है ना वो बेवकूफ़ी है, नहीं काटना चाहिए। ये भी आपका जेट है, ये जेट आपको निकाल के दिखाते हैं। अच्छा, इसके नंबर भी होते हैं जेट के? सब जेटों के नंबर होते हैं, अपने अपने नंबर होते हैं, जर्मन का नंबर और होता है और लोकल का नंबर और होता है। तो ये कार्बोरेटर हमने खोल लिया, असल में बहुत टाइम लग रहा था ये नट खोलने में,
तो इसलिए हमने वीडियो पॉज कर दी थी बीच में। और ये जेट भी लग चुके हैं, जेट आपको नज़र आ रहे हैं, एक 92 का है और एक 100 का है। 100 का। अच्छा, इस जेट में एक बात, तकरीबन जितनी भी हम वीडियोस बना चुके हैं कॉर्पोरेटर पे, उसमें ये हम लाजमन ये बात करते हैं कि अपने होंडा 125 मोटरसाइकिल की अक्सर लोग लगवा लेते हैं एवरेज अच्छी लेने के लिए, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। उसका नुकसान ये है ना कि आपके जो हेड के वाल हैं या आपका जो सिलेंडर है उसमें फ्यूल पूरा नहीं मिलता, वो आधे खुशक रहते हैं और आधे जो है ना गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन की जो पावर है वो कम हो जाती है। और ये नुकसान के इसमें आपके हेड का नुकसान ज़्यादा है, तो इंजन पे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये कॉर्पोरेटर भी खुल चुका है, बटरफ्लाई का ये पोर्शन है, बटरफ्लाई ऑलरेडी हम ये सिक्का चेंज करवा चुके हैं। ये जेट का एरिया है, हमें जेट लगते हैं 92 के लगे हैं और एक 100 का लगे, और ये अपर पोर्शन है इसका। तो ये तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, बाकी इसमें कोई मसला तो नहीं है, इतनी कोई तफसील नहीं होती। अक्सर लोग खोल खोल के ये नहीं चाहिए चीज़ वो चीज़, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। एक बटरफ्लाई है, दो जेट है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा कार्रवाई इसी चीज़ की, बटरफ्लाई आपकी सेट होनी चाहिए, दो जेट आपकी होनी चाहिए। जेनवन जो जेट है वो आपको 9.5 का आता है, 92.5 का आता है। ये हमने जो अभी जेट लगाया ये 92 का लगाया, और एक जो है 100 का लगाया, ये उससे कम है ताकि फ्यूल की एवरेज अच्छी रहे, इसलिए हमने जो है ना 2.3 कम लगाया, 0.5 कम लगाया, 0.5 का छोड़ के जो है ना 92 का लगाया। तो अभी इसको करते हैं असम्बल, इसको फिट करते हैं, फिट करने के बाद गाड़ी में लगाएंगे, फिर आपको बोतल पे चेक करवाएंगे अगली वीडियो में कि कितना एवरेज दिया है इसने। अभी उसमें हम ये करेंगे कि अगर आपने अपनी गाड़ी की एवरेज चेक करनी है बोतल से, तो हम आपको बोतल लगाने का तरीका भी बताएंगे। बाज़ लोग रिटर्न पाइप नहीं लगाते, वो थोड़ी सी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसके साथ जब एवरेज आपकी नोट हो जाएगी, तो फिर हम आपको एक दो और टिप्स देंगे कि उससे एवरेज आपने जेन्युइन जो एवरेज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। लोग जो बोतल की एवरेज आ जाती है उसी पे इक्तफा करते हैं, असल में वो जेन्युइन ओरिजिनल एवरेज नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। तो इंशाल्लाह अभी इसको हम असम्बल करते हैं और इसको फिट कर देते हैं गाड़ी में। इसके बाद जब ये फिट हो जाएगा, हम फिर जब अरेंजमेंट करते हैं पेट्रोल की, और फिर इसको जो एवरेज हम चेक करेंगे तो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।